एवरी वन हियर आई कोमल शर्मा वेलकम्स यू ऑल एट योर ओन गार्गी क्लासेज अर प्लेस वेर यू कैन ईजीली गेट ऑल द इंफॉर्मेश्स रेलिवेंट टू योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सो जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है ऑफ द एपक पॉइम मॉक हेरोक एपेक पॉइम दैट इज़ द रेप ऑफ द लॉग विच इज़ रिटन बाई एलेक्जेंडर पॉप तो अब तक हम अपने कैंटो uh, थर्ड तक डिस्कस कर लिया था टुडे आई विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट कैंटो फोर एंड कैंटो फाइव तो आज एक कंक्लूडिंग पार्ट है ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिक पोइट्री दिस वन तो शुरू करते हैं विद द कैंटो फोर आप देखते हैं कैंटो फोर में एक्जैक्टली exactly होता क्या कैंटो थर्ड तक मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो बैरन है उसने बैलिंडा के दोनों हेयर लॉक्स को चॉपडअप कर लिया है और उसका बिहाइंड रीजन क्या था और किस तरीके से जो सुपर जो स्पिरिट्स थी वो भी उसको प्रोटेक्ट करने में उसके हेयर लॉक्स को प्रोटेक्ट करने में अनसक्सेसफुल रही ठीक है तो आज ये चलते हैं द द फॉर ऑफ ऑफ लॉक तो बैलिंडा एंक्शियस केयर एंड सीक्रेट पैशन आफ्टर द लॉस ऑफ अर लॉक आर इक्वल टू द इमोशंस ऑफ ऑल हु हैव एवर रेज हुटमेंट एंड डिस्पेयर इसका मतलब है कि बैलिंडा जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी अभी रिजेंटेड फील कर रही थी और डिस्पेयर में भी थी बहुत ज़्यादा उदास थी डिसअपॉइंटेड थी।, थी ठीक है आफ्टर द डिसपॉइंटेड सेल विद्रो एन अर्ली नॉम कॉल्ड अम्ब्रल फ्लाइज डाउन टू द केव ऑफ स्प्लिन अब क्या होता है एक अर्ली वो है सुपर नेचुरल है जिसका नाम है नॉम तो नॉम एग्जैक्टली सुपर नेचुरल स्पिरिट होती है ऑफ द अर्थ तो उसका नाम होता है एम्ब्रल एम्ब्रल जो है वो सीधे अप जाती है केव ऑफ स्प्लिन में ठीक है वो क्यों जाती है केव ऑफ स्प्लिन में वो आइए हम जानते हैं एंड पासिस थ्रू बैलिंडाज बेडरूम अब जो ये सुपर नेचुरल स्पिरिट है ये बैलिंडा के बेडरूम में जाती है उसे वहां पर ऑब्जर्व करती है देखती है उसकी क्या कंडीशन है उसके बारे में देखते हो वेर शेलाइज प्रोस्ट्रेट अवर डिसकॉम्फिचर एंड हैड एक जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा हैडेक है डिसपॉइंटेड है वो बहुत उदास होकर बैठी हुई है एंड उसके साथ में दो हैंडमेड्स हैं उसकी इल नेचुर एंड अफैक्शन दोनों चीज़ें अफैक्शनेटेड है।, है और प्लस इल नेचुर ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यहाँ पर पॉइंट ने यूज़ किया न सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो कि हैंडमेड्स यहाँ पे बताई गई हैं बाई दिल नेचर एंड अफेक्शन को हैंडमेड हैंडमेड hand बताया गया है यहाँ पे क्योंकि वो दोनों अभी उसके साथ है वो बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थी टूवर्ड्स हर लॉक्स तो उसके खोने पर उसे बहुत अम, बुरा लग रहा है एम्ब्रेल सेफली थ्रू दिस मैलन कलिक होल्डिंग अ स्प्रिंग

सोब्स एंड पैशन जो कि एक सिम्बल है ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्पेयर एंड शी ऑल्सो कैरीज अ वायल ऑफ सोरो ग्रीफ एंड टो क्या करती है वो सुपरनेशनल uh, स्पिरिट उन सबको जो बैग होता है विच इज़ फुल ऑफ साइज सोब्स एंड पैशन वो अनलिस कर देती है बैलिंडा के ऊपर बैलिडा के ऊपर जैसे ही वो अनलिस करती है वैसे ही बैलिंडा रोना धोना बहुत तेज से शुरू कर देती है अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है Balinda's फ्रेंड थैलेस्ट्रिस डिलीवर्स स्पीच कैलकुलेटेड टू फर्दर फॉर्म एट Balinda's इन indig and डिग्नेशन एंड अर्ज हर टू एवेंज हर और यहाँ पे बैलेंडा की जो फ्रेंड है थैलेस्ट्रिस वो बैलेंडा को बहुत ज़्यादा दुखी देखती है तो उसे मनाने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि तुम अब बारन से बदला लो जो थैलेस्ट्रस है वो यहाँ पे सर प्लूम के पास जाती है जो कि उसके व्यू होते हैं और उसके पास जाके वो बोलते हैं कि आप बैरन के पास जाओ और उससे वो हेयर लॉक वापस मांगो सर प्लूम जो है वो बहुत आ, वीक और स्लैंग वर्ड्स यूज करता है अगेंस्ट बैरन और उसे बोलता है कि मुझे वो हेयर लॉक वापस दो पर बैरन बहुत गु़स्सा हो जाता है और वो बिल्कुल मना कर देता है दैट आई एल नॉट गिव यू दैट हाई हेयर लॉक at the sambral releases the uh, releases the uh, contents of the remaining while throwing Balinda into a fit of sorrow and self pity. अब यहाँ पे जो जो while था जो another while था वो भी जो supernatural spirit है वो unleash कर देती है upon Balinda और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा sorrow में होती है griefful होती है self pity होती है and with this beauteous grief she bemoans her fate, regrets not having heeded. द ड्रीम वार्निंग और यहाँ पे वो रिग्रेट भी करती है कि किस तरीके से उससे सुबह सपना भी आया था और उसमें जो स्पिरट्स थी उन्होंने उसे वार्निंग भी दी थी पर वो उसने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया एंड शी स्टार्ट लेमेंटिंग द लोनली पिटिफुल स्टेट ऑफ अर सोल रिमेनिंग गर्ल अब उसका सिर्फ एक गर्ल बचा है उसके पास तो इस तरीके से कैंटू फोर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बालिडा की क्या कंडीशन हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हे लॉक आगे के अंतर फाइव में क्या होता है द बैरन रिमेन्स इंपैसिव अगेंस्ट ऑल द लेडीज टेयर्स एंड अप्रोचेज़ यहाँ पे बैरन जो है वो बहुत ज़्यादा रिज़िट खड़ा हुआ है वो इंपैसिव है वो मूव नहीं होता है बाय द टेयर्स एंड रिप्रोचेज़ ऑफ द लेडीज एंड यहाँ पे क्लारिसा जो है वो एक बहुत ही मोरालिस्टिक स्पीच डिलीवर करती है जिसमें वो क्वेश्चन करती है कि जो सोसाइटी है उसमें हमेशा ब्यूटी को ही अडोर क्यों किया जाता है और जो वुमेन है उसे हमेशा एक कैलकुलेटेड वे में क्यों देखा जाता है दैट वुमेन हैज़ टू बी ब्यूटीफुल और इसके ये ये मायने होने चाहिए ठीक है आ, क्यो, क्यों क्यों औरतों को उनकी मॉरल वैल्यूज़ की वजह से उनकी गुड सेंस की वजह से उनकी गुड ह्यूमर की वजह से उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता सिर्फ ब्यूटी की वजह से क्यों कंसिडर किया जाता है सो वेमेन आर फ्रिक्वेंटली कॉल्ड एंजल्स शी आर्ग्यूज बट विदाउट रेफरेंस टू द मॉरल क्वालिटीज ऑफ दीज क्रीचर्स यहाँ पे वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देती है और बोलती है कि एंजल्स बोले जाते हैं मतलब बहुत एक मोरालिस्टिक स्पीच वो डिलीवर करती हैं कि ब्यूटी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ब्यूटी जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है एंड वी मस्ट हैव समथिंग मोर सब्सटेंशियल एंड परमानेंट टू फॉल बैक ऑन एक ऐसी क्वालिटी क्वालिटेटिव चीज़ों को हमें वैल्यू देना चाहिए इंस्टेड ऑफ़ दीज ब्यूटियस थिंग्स तो यहाँ पर क्लारिसा अपना स्पीच देती है बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसकी स्पीच को uh, नहीं सुनता है और यहाँ पे जो थैल थैलेस्ट्रिस है थैलेस्ट्रिस और बालिडा बैरन पे अटैक करने के लिए जाती है उससे डिफेंड करने के लिए जाती है अब क्या होता है क्योटिक टसल एंड शूज विद द नॉम एम प्रिसाइडिंग इन अ पोस्टर ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन द जेंटलमैन आर स्लीन और रिवाइव्ड अकॉर्डिंग टू द स्माइल्स एंड फ्रॉन्स ऑफ द फेयर लेडीज तो यहाँ पे वो क्योर्स क्रिएट हो जाता है इनटू दैट um, जो एक रॉयल पार्टी चल रही होती है उसमें अब यहाँ पे बैलेंडर और बैरन दोनों मिलते हैं ठीक है और उनमें एक कॉम्बैट होता है एक वॉर होता है गेम्स में जो वॉर चल रहा होता है वो होता है और उसमें उसको हरा भी देती है बैरन को और इस वजह से विक्टोरियस थोड़ा बहुत फील कर रही है यहाँ पे बैलेंडर जो है वो एंड वो उससे हेयरलॉक वापस डिमांड भी करती है बट यहाँ पर वो एम्पेसिव है तो वो नहीं देता फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है अब यहाँ पे वो अपने हेयर लॉक को ढूंढते ढूंढते उसका जो रिंगलेट था उसकी रिंगलेट में जो क्रॉस लगा हुआ था वो रिंगलेट खो चुका था अब उसका और वो मिल नहीं रहा था तो यहाँ पे जो बैलेंडा है वो डाइवर्ट हो चुकी है क्योंकि उसका रिंगलेट भी नहीं मिल रहा है एंड द पॉइंट अवर्स दैट द लॉक हैज राइज इन टू द हेवन इजर्स टू बिकम अ स्टार अब यहाँ पे पॉइंट बोलता है कि जो वो हेयर लॉक है वो हेवन में जाके एक स्टार बन चुका है और जो लोग जो स्ट्रेंजर्स उसे पहली बार देखते हैं उस हेयरलॉक को एज अ स्टार तो वो उसे प्रेज करते हैं और अब की बार जो एनिमिटी है टूअर्ड दैट स्टार टूअर्ड दैट ब्यूटिफुलर हेयरलॉक वो ज़्यादा बढ़ चुकी है ऑन अर्थ ठीक है तो यहाँ पे पॉइट ने एग्जैक्टली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो भी चीज़ें हैं ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, है उसे एनिमिटी का रीज़न भी यहाँ पे बताया है पॉइट ने सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेप ऑफ द लॉक मैंने कंप्लीट आपको फाइव कैंटोस को डिस्क्राइब किया है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर रेड गार्गी क्लासेज